बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में, हमने स्ट्रेटिफाइड सैंपल के पहले दो स्टेप अंडरस्टैंड किए। इसका तीसरा और चौथा स्टेप इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रीवियस वीडियो का कुछ पार्ट जो रह गया था, उसमें आपके सामने है कि जेंडर की बेस पे दो स्ट्रेटा डिफाइन हुए, डिग्री की बेस पे तीन स्ट्रेटा डिफाइन हुए। जब दो को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये 6 ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। मेल फॉर बैचलर ग्रेजुएट, फीमेल फॉर बैचलर ग्रेजुएट, मेल फॉर मास्टर ग्रेजुएट, फीमेल फॉर मास्टर ग्रेजुएट, इसी तरह मेल फॉर डॉक्टरल ग्रेजुएट और फीमेल फॉर डॉक्टरल ग्रेजुएट। तो ये हमारे फाइनल 6 ग्रुप्स जो हैं वो उस एग्जाम्पल की बेस पर बनाए जा सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। इस लेवल पर आपने डिसाइड करना है कि आप क्या सैंपल साइज़ जो हैं वो हर ग्रुप के लिए रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो आप सैंपल हर ग्रुप के लिए डिसाइड करेंगे वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए या डिस प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होता है कि जो आपने ग्रुप डिसाइड किया है बेस्ड ऑन सम करेक्टरिस्टिक, ठीक है, उस ग्रुप की जो है वो टोटल पॉपुलेशन के साइज़ में क्या स्टैंडिंग है। फ़र्ज़ करें कि पॉपुलेशन का टोटल साइज़ जो है वो 100 है और आप एक ग्रुप बना लेते हो 40 लोगों का जिनके सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि 40% जो है वो इसका प्रोपोर्शन बनता है टोटल पॉपुलेशन में, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो ग्रुप, आपने सिमिलर करेक्टरिस्टिक का एक ग्रुप बनाया है, उसका टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो है वो कितना पोर्शन बनता है उसका, ठीक है। दूसरी टेक्निक होती है डिसप्रोपोर्शनेट। इसका मतलब ये होता है कि आप जो ग्रुप का जो प्रोपोर्शन है उसको कंसिडर नहीं कर रहे, बल्कि एक कॉमन जो है वो आप साइज़ लेकर दोनों पे अप्लाई कर देते हो, दोनों या तीनों पे, जितने भी आपने ग्रुप्स बनाए हैं उसमें आप देख लेते हो कि आप एक कॉमन साइज़ को लेकर चलना चाह रहे होते हो, तो वो डिसप्रोपोर्शनेट का तरीका है। तो ज़्यादा वैसे वैल्यूएबल जो होता है वो प्रोपोर्शनेट मेथड है कि आप ये पता चला लो कि जो आपने ग्रुप बनाए हैं वो टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कितने कितने परसेंट उनका रोल बनता है, ताकि उनके ज़रिए जो है वो सैंपल सेलेक्ट करना आसान हो। इसमें जो सैंपल साइज़ है, नेक्स्ट यू कैन डिसाइड ऑन योर टोटल सैंपल साइज़। टोटल सैंपल साइज़ आपने चेक करना होता है वो कितना बनेगा। ये जितना बड़ा होगा टोटल सैंपल साइज़, उतना ही आपकी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ यू नो योर डिज़ायर्ड मार्जिन ऑफ एरर एंड कॉन्फिडेंस लेवल एज वेल एज एस्टिमेटेड साइज़ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन यू आर वर्किंग विथ, यू कैन यूज़ अ सैम्पल साइज़ कैलकुलेटर। तो बेसिकली क्या है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसको एक अलग से वीडियोज़ में बहुत जल्द जो है वो अपलोड किया जाएगा कि सैम्पल साइज़ ट्रेडिशनल मेथड से कैसे एस्टिमेट होता है, डिफरेंट रिसर्चर इसके हवाले से क्या टेक्निक्स बताते हैं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप किस तरह से सैम्पल साइज़ एस्टिमेट कर सकते हैं। बहरहाल इसमें एग्जांपल है कि बिकॉज यू नीड टू इंश्योर योर सैम्पल साइज़ ऑफ द डॉक्टरल ग्रेजुएट इज़ लार्ज इनफ, यू डिसाइड टू यूज़ डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग। बेसिकली क्या है, सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो होगी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, ठीक है, उनका जो ग्रुप बनेगा। फिर उससे कम तादाद जो है वो मास्टर स्टूडेंट्स की होगी और सबसे कम तादाद जो है वो आपकी डॉक्टरल स्टूडेंट्स की होगी, क्योंकि डॉक्टरल डिग्री बहुत कम लोग करते हैं। तो बेहतर ये होगा कि डॉक्टरल ग्रेजुएट को आप डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग के ज़रिए इसका सैम्पल सेलेक्ट करें। Even though doctoral student make up a small proportion of the overall student population, your sample is about 1/3 bachelor graduate, 1/3 master graduate and 1/3 doctoral graduate. तो ये आप बराबर बराबर जो हैं वो basically लेकर चलोगे। तो इसका जो final step है, randomly sample from each stratum, जो आपने ग्रुप डिसाइड कर लिए हैं उसमें से रैंडम बेसिस पे एलिमेंट सेलेक्ट करना शुरू कर दें। चाहे आप प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ कर रहे हैं या डिस
प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो एलिमेंट सेलेक्ट करें वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड है उसमें बहरहाल सैम्पलिंग जो एरर है उसके आने के चांसेस होते हैं, और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो समहाउ बेटर है। तो वो देख लें कि आपको अपने कंस्ट्रेंट, अपनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंगली कौन सा मेथड सूट करता है। इफ़ प्रॉपरली डन, द रैंडमाइजेशन इनहेरेंट इन सच मेथड विल अलाउ यू टू ऑब्टेन अ सैम्पल दैट इज रिप्रेजेंटेटिव टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन है वो सब डिवाइडेड होती है ग्रुप्स में, तो आप जो सैम्पल ड्रॉ कर रहे होते हैं वो बेसिकली उस पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उन पर्टिकुलर ग्रुप्स ने आगे रिप्रेजेंट करना होता है आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन को। अब इसमें एग्जांपल है जी, यू यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टू चूज सब्जेक्ट फ्रॉम विद इन ईच ऑफ द सिक्स ग्रुप्स, सिलेक्टिंग अ रफली इक्वल सैम्पल साइज फ्रॉम ईच वन। आप अगर छः के छः ग्रुप्स में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो चूज़ करना चाह रहे हैं तो सब में आपको इक्वल सैम्पल साइज ले लेना चाहिए। यू कैन देन कलेक्ट डाटा ऑन सैलरीज एंड जॉब हिस्ट्रीज फ्रॉम ईच ऑफ द मेम्बर ऑफ योर सैम्पल टू इन्वेस्टिगेट योर क्वेश्चन। ये फर्दर प्रोसीजर हैं कि आप किस किस चीज़ का डाटा इन लोगों से कलेक्ट करना चाह रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं जिनकी मदद से आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सेल की मदद से स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो मज़ीद क्लियर की जाएगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल के आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप मज़ीद इस हवाले से वीडियोस देख सकें। थैंक यू वेरी मच।